anxiolytics and hypnotics anxiolytics are the anti anxiety drug what is anxiety that is the unpleasant state of tension uneasiness if there is mild anxiety due to the daily routine life experiences then there is no need of treatment if there is the uh, worsen conditions and there is the involvement of sympathetic activations that causes the tachycardia palpitation trembling then there is need of treatment benzodiazepine is choice for the anxiety for the uh, it is anti anxiety drug and also it is used for the treatment of insomnia. Mechanism of action: what is the benzodiazepine binding on the GABA receptor? Target: kya hai iska GABA receptor. GABA is the neuro inhibitory neurotransmitter that inhibits the action potential. GABA receptor has uh, three subunits and there are further six subunits: first is alpha, beta, and gamma. GABA bind with the uh, beta and alpha interface, and the benzodiazepine bind with the अल्फा एंड गैमा इंटरफेस बैंजोडाइजीस जो बाइंड करेंगी यहाँ पे इधर बाइंड करती हैं एंड देट पोटेंशियट द इफेक्ट ऑफ गैबा डजन इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ गैबा व्हेन गैबा बाइंड देयर इज ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल कॉज दी हाईपर पोलराइजेशन दैन इज डिक्रीज इन न्यूरो ट्रांसमिशन देर इज नो एक्शन पोटेंशियल सो वैन बेंजोडाजपिन आर बाइंड दैन देर इज़ इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ गैबा एंड देर देर इज इंक्रीज इन दी क्लोराइड इन्फ्लक्स ड्यू टू दी लॉन्ग ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए क्लोराइड चैनल ओपनिंग हो जाएगी इधर फॉर लॉन्गर टाइम देर इज हाइपर पोलराइजेशन न्यूरो ट्रांसमिशन कम हो जाएगी और कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा तो बेंजो डैज अ पीन जो हैज द इफेक्ट टू पोटेंशियट दैबा इफेक्ट एक्शंस क्या हैं रिड्यूज एंगज्जाइटी बेंजो डेज ए पीन्स रिड्यूज एंग्जायटी लो डोजिज़ में बेंजोडाजी जो होती हैं एंगजियोलिटिक्स होती हैं ठीक है ये जो है वो एंग्जाइटी को सिलेक्टिवलीहेंसेंगी गैबर्जिक ट्रांसमिशन गैबर्जिक ट्रांसमिशन को इनहेंस करेंगी और एंग्जाइटी को रिड्यूस करेंगी उसके बाद दट हैज दिडेटिव एंड हेप्नोटिक्टामिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये हेपनोसिस प्रोड्यूस करती हैं हाई डोजिज एंटीरोडिमनीजिया एंटीरोडिमडीजिया होता है टेम्परेरी इंपेयरमेंट ऑफ मेमरी विद द यूज़ ऑफ बेंजोडाइजी जो है वो लर्निंग और न्यू मेमरीज़ जो हैं वो नहीं बनती एंटी कन्वलसेंट इफेक्ट बनते हैज एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट और ये पार्शली जो है और नॉट कम्प्लीटली ये जो है वो गैबा को इंक्रीज करती हैं उसके बाद मसल रिलैक्सेंट डाइजिप इज द ड्रग दैट हैज़ द मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट ठीक है स्कैल्डरल मसल जो हैं वो उनकी स्पास्टिसिटी को कम करती हैं और जो है फॉर एवरी टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो हैं बेंजोडाइजीज आर यूज एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है दैट आर जनलाइज एंगजाइटी डिसऑर्डर सोशल एंगजाइटी डिसऑर्डर्स परफॉर्मेंस एंग्जाइटी डिसऑर्डर पोस्ट प्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स होते हैं रिपीटेड अन थॉट्स एंड सेंसेशंस ठीक है हर तरह के जो एंगजाइटी डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए बेंजोडाइजेंस आर बेस्ट चॉइस जो है वो क्लासिफाई किया जाता है उनको अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देन देयर इज लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजी इंटरमीडिएट एक्टिंग बेंजोडाजी एंड दी शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजीन लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजींस में क्या है क्लोराजेपेट है डायजिपोक्साइड है डायजिपेम है फ्लोराजिपेम है और क्वेजिपेम है आर हैव बेंजोडाजी सफिक्स पैम ठीक है तो ये जो है डेजपैम जो है दैट हैज रिड्यूज द मसल पांग बाकी लॉन्ग एक्टिंग देज़ देज़ जो है वो स्वेयर कंडीशन में यूज़ की जाती हैं जिनमें जो है वो फॉर लॉन्ग प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट जो है वो नीड होती है कंडीशन में इंटरमीडिएट एक्टिंग जो है ये पैनिक डिसऑर्डर में अल्फ्राजोलैम पैनिक डिसऑर्डर में यूज़ की जाती है एंगजाइटी एंगजाइटी में यूज़ की जाती है टिमेजी पैमिजीसोमिया टिबेजीबैम है सिडेटिव थ्री ईयर्स आफ्टर दी औरल डोज ठीक है ये जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है और शॉर्ट एक्टिंग है दे आर यूज फॉर दी एनजाइटी डिसऑर्डर आल्सो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमनिया ऑक्जेजिबैम दैट आर आल्सो यूज फॉर दी एमनीजिया एमनीजिया को ट्रीट करने के लिए यूज होती है उसके अलावा जो है वो ट्राइजोलैम जो है ट्रायजोलैम दैट इज़ यूज इन दी स्लीप डिसऑर्डर्स ठीक है और इसमें जो है डिपेंडेंस हो जाती है डिपेंडेंस भी हो जाती है और टॉलरेंस भी हो जाती है टॉलरेंस डिवेल्प हो जाती है ड्यू टू द रिपीटेड डोज देर इज दी इन सेंसिटिव रिसेप्टर्स ठीक है रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है तो जो है वो रिबाउंड रिबाउंडसोमिया हो सकता है और इनके जो है बेंजोडाजीस के विड्रॉल इफेक्ट्स होते हैं ठीक है वैन वी डिसकंटिन्यू द ट्रीटमेंट दैन देर इज़ द नीड ऑफ डोज टेपरिंग सही है उसके बाद एमनीजिया शॉर्टर एक्टिंग जो एजेंट्स जो हैं वो एमनीजिया में यूज़ किए जाते हैं एंगजाइटी प्रोवोकिंग डिसऑर्डर्स में यूज़ किए जाते हैं अनप्लेजन प्रोसीजर्स में यूज़ किए जाते हैं शॉर्ट एक्टिंग जो है जैसे कि एंडोस्कोपी हो गया डेंटल प्रोसीजर या एंडोपलास्टिक वगैरह हो गया उनमें यूज़ किया जाता है और इसके अलावा सीजर्स में जो है क्लोनाजी पैम जो है दैट आर यूज एज एन एडजंक थेरेपी इन सीजर्स ठीक है और उसके अलावा जो है वो मसल डिसऑर्डर्स में ये ड्रग्स यूज़ की जाती हैं मोस्टली मोस्टली जो है वो डाइजीपैम यूज़ की जाती है फॉर टू रिड्यूज़ द मसल स्पास और इसके बाद इनकी फार्मेकोकनेटिक्स या है फॉरमेकोकनेक्ट दीज आर लिपोफिलिक ड्रग्स लाइपोफिलिक ड्रग्स हैं तो रैपिडली एब्जॉर्ब होंगी इजीली डिस्ट्रीब्यूट होंगी ठीक है उसके बाद जो है वो मेटाबोलाइज होती है हैं बाय हेपेटिक एंजाइम मोस्ट ड्रग्स बेंजोडाजीज आर हेपेटिकली मेटाबोलाइज एंड कन्वर्ट इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट्स एंड दे हैव द द पेरेंट ड्रग एंड द मेटाबोलाइट दैट हैव ऑल दैट बोथ हैव द इफेक्ट ठीक है ये जो है वो इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं ये जो है यूरिन में एक्सरीट आउट होती हैं ग्लूकोरोनाइड्स की फॉर्म में या ऑक्सीडेटिव फॉर्म में ये एक्सरीट आउट होती हैं दैट क्रॉस प्लेसेंटा एंड नॉट रिकमेंडेड इन प्रेगनेंसी और नॉट एट द बर्थ ठीक है ये सी को डिप्रेस करती हैं न्यूबॉर्न के सही है और ये जो ड्रग्स हैं दैट आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन दी हपैटिक पेशेंट हपैटिक सिरोटिक पेशेंट या हपैटिक डिजीज uh, में जो है ये बेंजोडाइजिपिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं और ये अल्कोहल यूज में जो है दे इंक्रीज द इफेक्ट ठीक है इनहेंस कर देती हैं इफेक्ट को उसके बाद एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है ड्राउजीनेस कन्फ्यूजन डिपेंडेंस हो जाती है इनकी ठीक है फिजिकल डिपेंडेंस हो जाती है ए टैक्सिया हो सकता है टॉलरेंस डिवेलप हो सकती है उसके बाद जो है वो दैट आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन दी हेपेटिक डिजीज़ बेंजोटाजिबिन एंटागोनिस्ट दैट इज फ्लुमेजानिल दैट इज दिस वन ड्रग दैट इज रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दैट रिवर्स द बेंजोडाइजीन इफेक्ट गैबा जो है वो रिसेप्टर जो है उसका डाइगोनिस है तो ये बेंजोडाजपिन जो है वो पोटेंशिएट करती हैं गैबा के इफेक्ट को तो ये ड्रग जो है उस इफेक्ट को जो है वो इनहिबिट करती हैं मतलब रिवर्स करती हैं ठीक है ये कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स हैं बेंजोडाजपिन की ठीक है ये जो है एक्ट एज एंटीडॉट फॉर बैंजोडाइजेंस और लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाजपेंस की जो है वो एंटीडॉट के तौर पर यूज होती हैं एडमिनिस्ट्रेड आई और शॉर्ट इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है हाफ लाइफ इनकी वन और रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है तो इसलिए जो है इनको कंटिन्यूस इन्फियन में देना पड़ता है टू रिवर्स एक्शन ऑफ लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन, और ये एंटीडॉट के ही तौर पे यूज़ होती हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है नोजिया वामिटिंग एजिटेशन उसके बाद दूसरे एंगजोलिटिक्स एंड एजेंट्स एंड दैट इज़ एंटी डिप्रेसेंट एंटी डिप्रेसेंट एंड दैन अदर क्लास ऑफ ड्रग ठीक है तो ये होती है यूज़ इन क्रोनिक एंगजाइटी डिसऑर्डर्स एक्सैलोब्राम और प्रोसीटीन है ये जो है बेंजोडाजपिन के साथ कम्बिनेशन में देते हैं विद लो डोजेज ऑफ बेंजोडापिन दैट इज द फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर दी दंग्जाइटी डिसऑर्डर्स ठीक है जर्नलाइज एंगजाइटी डिसऑर्डर्स में यूज़ होती है फर्स्ट वीक ऑफ ट्रीटमेंट में क्या होगा कि हम जो है वो एंटी डिप्रेशन देंगे विद दी लोडस ज बेंदोडाजपिन जब जो है एंग्जोलिटिक एक्शन होना शुरू हो जाएगा एंटी डिप्रेसेंट्स का तो क्या होगा आफ्टर फोर टू सिक्स वीक तो बेंजोडाइजेपिन की डोज जो है वो टेपर करना शुरू कर देंगे ठीक है डोज टेपरिंग इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट द विड्रॉल इफेक्ट्स उसके बाद बसपिरोन है बसपिरोन जो है वो यूज़ होती है क्रोनिक जनरलाइज एंगजाइटी डिसऑर्डर्स में ठीक है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स वो होते हैं जिनमें एंगजाइटी रहे फॉर सिक्स मंथ्स Anxiety, normal anxiety that is uh, due to any finance, due to any social pressure. ड्यू टू एनी टाइप ऑफ एंग्जाइटी ठीक है एक्शन ये जो है ये इनका गैबा के साथ इफ़ेक्ट नहीं है ये बेंजोडाजप इनकी तरह एक्ट नहीं करती ये जो है सीरोटनिन रिसेप्टर पर भी एक्ट करती हैं बाइंड करती हैं उनके साथ ये डोपामर्जिक डी टू रिसेप्टर पर भी बाइंड करती हैं और इसके अलावा जो फाइव आई जी टू है दैट इसरो रिसेप्टर उन पर भी ये जो है वो एक्ट करती हैं ये जो है कम्बाइंड इनका इफ़ेक्ट होता है और इसलिए ये जो है क्रोनिक जनलाइज एंगजाइटी डिसऑर्डर में यूज़ की जाती हैं ड्रग्स इनके एडवर्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है उनकी फ्रीकवेंसी बहुत कम होती है ठीक है दे एडवर्स ड्रग रिएक्शन आर डिजीनेस नर्वसनेस हेड और इनमें से डेशन और टॉलरेंस भी मिनिमल होती है बारबी चुरेट्स।, चुरेट्स जो हैं ये यूज़ होते हैं टू तो सीडेट पेशेंट मेंटेन स्लीप दे एक्ट एज कंट्रोल सब्सटेंसेस मोस्टली शॉर्ट एक्टिंग बारबी चुरेट्स इंड्यूज इन एस्थीजिया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि सिडेटिव हेप्टोटिक एक्शन जो रेट्स का है वो होता है ड्यू टू द इंट्रैक्शन विद गैबा रिसेप्टर्स ये भी गैबा रिसेप्टर्स के साथ बाइंड है वो इंट्रैक्ट करते हैं ठीक है और क्लोराइड चैनल ओपनिंग करते हैं वैन दे आर बाइंड विद गैबा रिसेप्टर्स ठीक है तो दैट इन कॉजेज द इंक्रीज इन द क्लोराइड इन्फ्लक्स ठीक है क्लोराइड इन्फ्लक्स होगा तो अप्रो लॉन्ग क्लोराइड चैनल ओपनिंग होगी उससे क्या होगा न्यूरो ट्रांसमिशन नहीं होगी और सब एक्शन पोटेंशियल नहीं प्रोड्यूस होगा उसके अलावा उनका जो है फर्दर एक्शन क्या है कि ब्लॉक करते हैं एक्साइटेटरी ग्लूटामेट रिसेप्टर्स को भी ठीक है गैबा तो इनिबेटरी रिसेप्टर है गैबा को पोटेंशिएट करेंगे लेकिन जो है ये उसके साथ साथ एक्साइटेटरी ग्लूटामेट जो है उसके रिसेप्टर्स को भी जो भी है ब्लॉक करते हैं जब एक्साइटेटरी जो रिसेप्टर्स हैं वो ब्लॉक होते हैं तो उनसे क्या होता है कि साथ सोडियम चैनल्स ब्लॉक होते हैं ठीक है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स इनहिबिटरी रिसेप्टर्स के साथ जो है वो वो क्या है कि क्लोराइड चैनल्स ओपन होते हैं और जो एक्साइट्रेटरी सेप्टर्स हैं उनके साथ सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं जब ये एक्साइटेटरी क्लोटामेटरी रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे तो साथ सोडियम चैनल्स भी ब्लॉक हो जाएंगे उससे क्या होगा कि न्यूरोनल एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी तो इनका जो है इसलिए इनका एक्शन जो है वो ज़्यादा है और ये फ्रीकुन जो है फ्रीकवेंसी इनकी हाई फ्रीकवेंसी होती है टू तो डिक्रीज दी टू ब्लॉक दी सोडियम चैनल्स ठीक है और एक्शंस क्या हैं इनके एक्शन इनके सीएनएस डिप्रेशन कॉज करते हैं लो डोजेज़ में जो है ये सीडेशन कॉज करते हैं हाई डोजेज में जो है हेपनोसिस कॉज करते हैं अनस्थीजिया अनस्थीजिया मतलब कि लॉस ऑफ फीलिंग एंड सेंसेशन कॉज करते हैं सही है और एंड डेथ सी एन एस डिप्रेस करते हैं है, है, रिस्पायरेटरी है डिप्रेशन करते हैं ठीक है बट दे डू नॉट रिड्यूज़ द पेन सही है सी एन एस रिस्पायरेटरी डिप्रेशन में बारबीच रेड जो है हाइपॉक्सिक और कीमो रिसेप्टर रिस्पॉन्स ऑफ सी ओ टू को जो है उसको सप्रेस करते हैं और इनकी ओवरडोज जो है वो क्या करती है रिस्पारेटरी डिप्रेशन होने की वजह से डेथ हो जाती है थेरापिटिक यूजेज क्या हैं दे आर यूज एज एन एन एस्थेटिक एंटी कन्वलसन सीडेटिव हेप्नोटिक्स ठीक है तो लेकिन इनको जो है क्लासीफाई किया जाता है ऑन दी बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में एक ड्रग है दैट इज थाईप एंडाल यूज होती है टू इंडियूज एन एस्थीजिया और आई वी एडमिशर किया जाता है इसको उसके बाद शॉर्ट एक्टिंग में पेंटो बारबिटाल है सिको बारबिटॉल एमो बारबिटाल है दैट आर यूज एज एन एंटी एंगजाइटी ड्रग्स टू रिड्यूज दर्वस टेंशन एंड इंसॉमिया उसके बाद लॉन्ग एक्टिंग है दैट इज फिनो बार्बिटॉल फिनो बारबिटॉल हैज एंटी कन्वसेंट एक्शन ये क्या करती हैं दे आल्सो डिप्रेस द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन ठीक है कॉग्निटिव कॉग्निटिव होते टू रिकॉग्नाइज एनीथिंग और डिप्रेस द द परफॉर्मेंस इन एडल्ट्स ठीक है ये जो है वो फिजिकल जो स्लगिशनेस है वो प्रोड्यूस करती हैं फॉर क्या है दे आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड वेल एब्जॉर्ब ठीक है और ये प्रेस एंडा क्रॉस करती हैं फिटस को डिप्रेस कर देती हैं मेटाबोलाइज इन लीवर और इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होती हैं एक्सिटेड इन यूरिन ठीक है उसके बाद जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? है हैं एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं ड्राउजीनेस इम्पेयर्ड कंसनट्रेशन मेंटल एंड फिजिकल स्लगिशनेस कॉज करती हैंग ओवर यूज़ करती हैं मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे कॉज स्लीप उसके बाद जो है इनका जो है वो अगर जो है वो एक्शन प्रोलॉन्ग होगा तो दे कॉज लिपनेस स्लीपीनेस वैन अवेक अदर एजेंट्स अदर एजेंट में जो ड्रग हैं दैट इज ऑलफीडीम है जेलिप लॉन है, है एसजोपिकलॉन है और रेमिल्टीन है ये जो, हाँ, ये जो है ये ड्रग्स जो हैं ये बाइंड करती हैं विद द बेन्ज रिसेप्टर्स ठीक है बट दे हैव नो एंटी कन्वलसेंट एक्टिविटी या नो मसल रिलैक्सिंग एक्टिविटी और इनका जो लिटल टॉलरेंस है लेकिन फॉर लॉन्ग यूज़ होता है लेकिन शॉर्ट हाफ लाइफ है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन टू टू थ्री है उसके बाद जो है ये हेपनोटिक इनमें हेप्नोटिक प्रॉपर्टीज़ एंड दैट रिलीफ इन सोमनिया ठीक है उसके बाद जो लास्ट ड्रग है दैट इज अ मेल्टी ऑन ये बाइंड करती है एम वन और एम टी टू रिसेप्टर्स के साथ मिलाटोन रिसेप्टर्स के साथ ठीक है मिलाटोन जो हार्मोन है वो पीनियल ग्लैंड से क्रिएट होता है और ये हेल्प टू मेंटेन करता है स्लीप स्लीपेक साइकिल सरकैडियन रिदम को जो है वो मेंटेन करता है नॉर्मल करता है स्लीप वेक साइकिल को इनकी स्टिमुलेशन जो है रिसेप्टर्स की रिमेल्टी से ये इंडियूज़ और प्रोमोट करती है स्लीप को और ऑन जो है ये भी इनसोमनिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है और ये इसमें जो है अब्यूज़ का जो है सबसे मिनिमल पोटेंशियल है ठीक है दैट इज़ नॉट यूज एज अब्यूसिव ड्रग सही है और लॉन्ग टर्म जो है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है कॉमन एडवर्स वक्ट में डिजीनेस फटीक और सॉमनेस वगैरह हो सकती है ठीक है बट इट हैज द एडवर्स दर्स दैट इट मे इंक्रीज द प्रोलेक्टिन लेवल उसके बाद नेक्स्ट एंटी हिस्टामीज जा, है एंटी एंड एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं ठीक है दैट हैज़ आल्सो दिस डेटिंग प्रॉपर्टीज इसमें डायफिन हाइड्रामीन है हाइड्रोक्सीजीन है डॉक्सीमीन है ये जो है माइल टाइप ऑफ इंसोमिया पर यूज़ करती हैं बट दे हैव द दंडल इफेक्ट्स एंड दे आर रिप्लेस बायजोडाइजी उसके बाद एंटी डिप्रेसेंट्स हैं एंटी डिप्रसेंट जो यूज़ होते हैं फॉर द एंग्जायटी डिसऑर्डर्स यूज़ होते हैं ठीक है ऑन गोइंग फॉर डेकेड से यूज हो रहे हैं एंग्जायटी के लिए डॉक्सीपीन है दैट आर रिड्यूस इंसोमिया ट्रेजोडोन है मिटेजोपिन मिटेजोपिन जो हैव दैट है ऑफ लेबल इंसोमिया के लिए यूज होती हैं ऑफ लेबल ड्रग्स हैं यूज फॉर ठीक है एंटीडिप्रेशन जो ड्रग्स हैं ये एंटी एंटीडिप्रेशन जो हैं उनमें जो है स्ट्रॉन्ग हिस्टामिन प्रॉपर्टीज होती हैं इसलिए जो है इनको ऑफ लेवल इंसोमिया के लिए यूज किया जाता है